नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, वेलकम बैक। आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आपकी मेहनत, आपकी जो एकाग्रता है वो बहुत काम आई है और हमने सोशल मीडिया पर जितने भी वीडियो मैसेज बनाए, सरकार को जगाया, सरकार तक आपकी बात पहुंचाई और आपने भी हमारा पूरा समर्थन किया। हर वीडियो संदेश को भर्ती से संबंधित जानकारी को शेयर किया। तो आज सरकार जाग चुकी है और सरकार जाग चुकी है तो मैं आपको बता दूं कि CMIS चीफ मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल पर DLB ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, मुख्यमंत्री द्वारा जानकारी मांगी गई है। तो अब जल्द से जल्द काम होने वाले हैं, सरकार जाग चुकी है। आगे बात करते हैं इसी विषय पर और इस नोटिफिकेशन पर, इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या चीजें हैं और क्या इन्होंने इस नोटिफिकेशन में बताया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है कविता चौधरी की तरफ से। जो आप इंतजार कर रहे थे वो नोटिफिकेशन आ चुका है। इसकी मैंने जांच की थी, इस नोटिफिकेशन की, ये नोटिफिकेशन बिल्कुल सही है। मैं आपको बता दूं कि इस नोटिफिकेशन को राजस्थान सरकार स्वायत्त शासन विभाग जयपुर ने जारी किया। इसकी नोडल जो अधिकारी है वो है कविता चौधरी। इन्होंने CMIS पोर्टल पर रिक्रूटमेंट मॉड्यूल पर अपलोड किया है और उसके अंदर क्या डिटेल्स दी गई हैं DLB की तरफ से वो मैं बता दूं कि DLB ने भर्ती एजेंसियों को सूचित किया था, उसके बारे में बताया गया, सरकार को लेटर दिया गया है। इसमें असिस्टेंट फायर ऑफिसर की 29 वैकेंसी है और RSSB इसकी भर्ती लेगी। अब इसका विज्ञापन आना बाकी है। दूसरी बात, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसकी 37 वैकेंसी है, इसकी भर्ती RPSC लेगी और इसका भी विज्ञापन आना बाकी है। अब यहां पर बात करेंगे फायरमैन की 600 वैकेंसी है, इसकी भर्ती RSSB लेगी, इसका भी विज्ञापन आना बाकी है। जूनियर इंजीनियर की 181 है, इसकी RSSB भर्ती लेगा, इसका भी विज्ञापन आना बाकी है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिक 55 वैकेंसी है, इसका भी विज्ञापन आना बाकी है। रेवेन्यू ऑफिसर 14 है, इसकी भर्ती RPSC लेगी, इसका भी विज्ञापन आना बाकी है। तो दोस्तों टोटल जो पोस्ट हो गई वो 916 पद है टोटल DLB के अंदर, स्वायत्त शासन विभाग के अंदर। इनकी सूचना भर्ती एजेंसी को भेज दी गई है। अब भर्ती एजेंसी को विज्ञापन निकालना है और इसमें मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इसमें जो दिया गया है, विभाग द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को उच्चतम आयु सीमा में शिथिलन संबंधी संशोधन विभागीय सेवा नियमों में किया जाकर पत्र दिनांक 24/6/2011 द्वारा बोर्ड को सूचित किया जा चुका है। तो बोर्ड को उम्र जिनकी बढ़ चुकी है उसको लेकर भी सूचित किया जा चुका है। तो देख दोस्तों, अब इसमें वैकेंसी आना बाकी है। जो कह रहे थे ना फायरमैन की वैकेंसी आएगी, फायर ऑफिसर की वैकेंसी आएगी और भी, ये वैकेंसी इस महीने जुलाई अगस्त में इनका रिक्रूटमेंट जारी हो सकता है। रही बात एग्जाम की, वो डिपेंड करेगा कोरोना की स्थिति कैसी रहेगी, और कोरोना की स्थिति सही रही तो परीक्षा भी जल्दी हो जाएगी, लेकिन विज्ञापन आना बाकी है। अब आपका इंतजार हो गया है खत्म, तो आप अपनी पढ़ाई में लग जाइए और अगली वीडियो जो हमारी आएगी उस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिन लोगों ने फायर असिस्टेंट फायर ऑफिसर के लिए कोर्स करना है या फायरमैन के लिए कौन सा कोर्स करना है, किस तरह आपको किस तरह के इंस्टीट्यूट से कोर्स करना है। क्योंकि देखिए, एक अच्छे इंस्टीट्यूट से, एक रेपुटेड इंस्टीट्यूट से जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो, और दूसरी बात जो आपको सिखाए प्रैक्टिकल, फायर की जो लाइफ होती है, फायरमैन की जो लाइफ होती है, फायर ऑफिसर का जो लाइफ होता है, उनका जो वर्क होता है वो टोटल प्रैक्टिकल होता है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, अब ये रिक्रूटमेंट आने वाला, आपका इंतजार बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। अगर किसी के कुछ भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।